हेलो गाइस, मेरा नाम हर्षद ठाकुर है। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आज हम लोग नेटवर्क थ्योरी बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका बेसिक, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। अगर सर्किट का मतलब क्या है, आपका बेसिक एम क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को ट्रांसफर करना। क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करना। तो उसके लिए आपको चाहिए वेरियस कॉम्पोनेंट्स और आपका वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग को मान लीजिए इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक कुछ कंपोनेंट्स ले लेते हैं और इसको ट्रांसफर करने के लिए कुछ फोर्स चाहिए। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ, और इसको वोल्टेज बोला जा सकता है। अब यहाँ से प्लस माइनस, तो एक्चुअली में ये क्या, एक पोटेंशियल है। तो ये आपका कुछ ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता। तो यही आपका क्लोज्ड सर्किट क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। तो यही चीज लिखे हैं हम लोग यहाँ पर। क्या हमारा बेसिक एम है, एनर्जी को ट्रांसफर करना। आवर मेन एम इज टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड फॉर दिस वी रिक्वायर एन इंटर कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट एंड कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिक सा इलेक्ट्रिक सर्किट आपको ये दिख रहा है, सर्किट आपका क्लोज होता है, लेकिन नेटवर्क आपका क्लोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए नेटवर्क से आप क्या समझते हैं। नेटवर्क एक यूनिवर्स है, समझ लीजिए, उसके अंदर में सर्किट आता है। ये आपका क्लोज्ड हो भी सकता है, क्लोज नहीं भी हो सकता है, समझ जाइए आपका नेटवर्क है, ठीक है। ये क्लोज हो भी सकता है, क्लोज नहीं भी हो सकता। अब इसके अंदर जो है एक सर्किट है, ये हमेशा क्लोज है। चार्ज एक्चुअली में क्या होता है, चार्ज आपका एक बेसिक, मोस्ट बेसिक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक सर्किट का चार्ज। तो अब चार्ज होता क्या है भाई, तो इसको अगर आपको डिफाइन करना तो बोल सकते हो इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर कंसिस्ट ऑफ एंड इट्स यूनिट इज कूलम। अब वन इलेक्ट्रॉन, ये इस पे मत जाइएगा, ये आपका वन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन, तो वन इलेक्ट्रॉन आपका होता कितना है भाई, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब कूलम के बारे में अगर आपसे कोई पूछ दिए कूलम आपका लार्ज यूनिट है या फिर स्मॉल यूनिट है, तो क्या बताओगे? तो जस्ट आपको करना क्या है, वन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। तो कुछ आपका निकल कर क्या है, 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका वन कूलम जो चार्ज होता है ना, उसको बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 6.24 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इतना समझ में आ गया कि कूलम एक छोटा मोटा यूनिट तो है नहीं भाई, बहुत बड़ा यूनिट है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में अगर पढ़ना है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया जाता है कि ये क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, ये डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एनर्जी ही की तरह है। इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और करंट क्या होता है, करंट आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं। तो फ्लो रेट ऑफ चार्ज आपका क्या हो जाएगा, dQ/dS। तो C/S आपका करंट बाई सेकेंड, यहाँ पर ये सॉरी कूलम पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया, और इसको आप एम्पियर में डिनोट कर सकते हो। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ टाइम रेट ऑफ अ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, इट्स यूनिट इज एम्पियर। और अगर आपका इसका डायरेक्शन का बात कर लिया जाए, तो इतना हमेशा याद रखिएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव करता है, और पॉजिटिव से नेगेटिव आपका प्रोटॉन, मतलब आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्जेस आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस के अलॉन्ग आपका करंट का डायरेक्शन को लिया जाता है, मतलब करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज का बात कर लिया जाए, तो वोल्टेज एक्चुअली में क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को एनर्जी, दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। और ये एक्सटर्नल फोर्स हम लोग को मिलता कहाँ से है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा, ठीक है। इसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब चलिए कुछ बेसिक सा फॉर्मूला अगर बात कर लिया जाए, तो ये होता क्या है, dW/dQ, ये वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, dW/dQ, ठीक है, जूल पर कूलम, और इसको आप वॉट भी बोल सकते हो, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो अब एनर्जी क्या होता है भाई, चलिए अगर आप ग्रेविटी ग्रेविटी के थ्रू समझोगे, अगर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे आप एनर्जी को छोड़ दोगे, तो E इज इक्वल टू आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर P1 से कुछ को छोड़ा गया यहाँ पे, और ये P2 पे नीचे में छोड़ा गया, तो ये दोनों एनर्जी अगर आप निकालोगे, तो एक आएगा E इज इक्वल टू mgh1
और E इज इक्वल्स टू ई वन हो गया, ये ई टू हो गया, तो एम जी एच टू। अब दोनों के रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो ई वन माइनस ई टू ओवरऑल एनर्जी आपको क्या निकल के आएगा, एम जी इज इक्वल्स टू एच वन माइनस एच टू। ठीक है, हम लोग ये रेफरेंस किसको, ग्राउंड को मान रहे थे। चलिए अब ग्राउंड से थोड़ा उठा देते हैं रेफरेंस को, यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एच वन आपका हो जाएगा एच वन, एच वन माइनस एक्स लिख सकते हैं, और एच टू को हम लोग एच टू माइनस एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ का एनर्जी का अगर बात कर लिया जाए तो ई इज इक्वल्स टू एम जी एच वन माइनस एक्स लिखा जा सकता है, और ई टू इज इक्वल्स टू एम जी एच टू माइनस एक्स लिखा जाता है। अब इन दोनों को भी माइनस कीजिएगा तो आपका सेम चीज मिलेगा, एम जी इज इक्वल्स टू एच वन माइनस एच टू। तो मतलब क्या बताना चाह रहा है कि आप रेफरेंस कुछ भी रख सकते हो, ग्राउंड रखो, टेरेस रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो जो दो दो पॉइंट में एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो वही तरीका से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में भी रेफरेंस कहीं पे भी रख सकते हैं। रेफरेंस आपका ग्राउंड रखिए, कोई भी पॉइंट को आप रेफरेंस मान सकते हो। आप लोग बाद में जा करके पढ़ोगे कि भाई ग्राउंड किसको ले, इसको ले या इसको ले, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि, लेकिन आपका जो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आप बाद में देखोगे ना तो हमेशा सेम निकल करके आएगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे जा करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है जो चीज़ मैंने बताया, ये मैंने आपको बताया ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, और यही आपका चार्ज के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिकल का बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक के रिस्पेक्ट में ई इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वन माइनस वी टू हो जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वन माइनस वी टू। ओके, चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं, यही चीज़ है जो मैंने डिस्कस किया अभी। अगर बात कर लिया जाए हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, तो हमेशा कंसिडर कीजिएगा प्लस और माइनस में। प्लस को हम लोग हायर पोटेंशियल कंसिडर करते हैं और माइनस को लोअर पोटेंशियल करते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस को ये पोटेंशियल हो गया, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, अब देखिए ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये नंबर ज़्यादा बड़ा होगा तो वी बी विल बी ग्रेटर देन वी ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर अगर आपसे कोई पूछे तो वी ए लेसर होगा, वी बी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस प्लस माइनस, और इस पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो 5, और ये हो गया वी बी, ये होगा वी ए। तो हायर पोटेंशियल आपका सॉरी, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो हायर पोटेंशियल आपका वी बी बन गया, और लोअर पोटेंशियल क्या बन गया, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 5। तो हमेशा याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग एच पी माइनस एल पी लिखते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल आपका पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं और लोअर पोटेंशियल आपका नेगेटिव को, और वही डिनोट करता है जो बगल में जो रहता है। ठीक है, अब पावर का बात कर लिया जाए तो पावर क्या है फ्रेंड्स, पावर आपका जूल पर सेकेंड, मतलब एनर्जी बाई टाइम, और इसको वाट से भी डिनोट किया जा सकता है। तो पी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, और इनटू मतलब देखिए डी डब्ल्यू बाई डी क्यू तो होता ही है, तो आप डी क्यू डी क्यू से डिवाइड करोगे तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू आपको किसको बोलते हैं, हम लोग इसको बताते हैं पोटेंशियल को बताते हैं, और डी क्यू बाई डी टी आपका करंट हो गया, तो यानी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई निकल करके आता है, और नहीं तो आप बोल सकते हो पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ओके फिर अब चलिए एब्जॉर्बिंग पावर और डिलीवर पावर का बात कर लिया जाए, तो हमेशा याद रखना हम लोगों को क्या, जो आपका करंट इंटर कर रहा है पॉजिटिव में तो वो एब्जॉर्बिंग पावर है। एब्जॉर्बिंग बोलिए, रिसीविंग बोलिए या डेसिपेट बोलिए, ठीक है, एब्जॉर्बिंग बोलिए, रिसीविंग बोलिए या डेसिपेट बोलिए। और अगर करंट आपका नेगेटिव में इंटर कर रहा है, अगर करंट नेगेटिव में इंटर कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड करेगा, डिलीवरिंग पावर। ठीक है, तो हाँ, तो ये पावर आपका डिलीवर्ड होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, अगर बात किया जाए, देखिए वेन अ करेंट इंटर्स इंटू अ पॉजिटिव टर्मिनल देन द एलिमेंट एब्जॉर्ब द पावर, तो एलिमेंट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो भाई ये एलिमेंट देखिए पॉजिटिव में, नेगेटिव में, करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर करंट आपका अगर लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में तो एलिमेंट क्या करेगा, डिलीवर कर रहा होगा पावर, पावर को डिलीवर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो ये पावर डिलीवर कर रहा है, अब लीव कर रहा है। ठीक है, और देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहा है तो इसी को हम लोग एब्जॉर्बिंग बोल रहे हैं, सिंक बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर में घुसा जा रहा है, पॉजिटिव में घुस रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव में आ रहा है मतलब एब्जॉर्बिंग पावर, पॉजिटिव से निकल रहा है तो डिलीवरिंग पावर। तो बस एक ही चीज को याद रखिए, बाकी आपका सारा चीज पॉजिटिव को या फिर नेगेटिव को कंसिडर करके चलिए, बाकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ एक प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव में इंटर कर रहा है यहाँ पे ये माइनस आई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये माइनस आई है भाई, तो इसका डायरेक्शन को आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्शन को अगर चेंज कर दिया जाए, सॉरी, अगर ये आपका प्लस ही आई है, प्लस आई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई रहेगा, और ये भी अगर प्लस रहेगा तो ये दोनों मतलब प्लस प्लस है, तो मतलब पावर क्या है, पॉजिटिव में घुस रहा है, तो ये एब्जॉर्बिंग होगा।
और अगर ये मान लीजिए आई इज इक्वल टू आपका यहाँ पे नेगेटिव रहता, मतलब क्या है इसका डायरेक्शन उल्टा दिखाया गया, तो हम लोग इसका डायरेक्शन को चेंज कर देंगे आई। अब पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से अगर लीव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पी डिलीवरिंग पावर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है ये आपका माइनस आई है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको कंसिडर कीजिए, तो इसको आप कंसिडर कीजिएगा तो पॉजिटिव से निकल रहा है भाई, तो डिलीवरी है सही, जाहिर सा बात है। अब देख लीजिए, अगर आप इसको देखिएगा तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये डायरेक्शन मत देखिए, ये डायरेक्शन ऐसा है, तो ये डायरेक्शन आप देखिए, तो ये डायरेक्शन आपका ऐसे जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये पॉजिटिव में घुस रहा है, तो पॉजिटिव में घुस रहा है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना बोलता है, जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी आपका ए है, दूसरा बॉडी आपका बी है, तो ये एनर्जी मान लीजिए इतना डिलीवर कर रहा, पी डिलीवर, और ये कैच कर रहा, इसको एब्जॉर्ब कर रहा, मतलब क्या बोलता है, पी डिलीवर इज इक्वल्स टू हमेशा पी एब्जॉर्ब होगा, आइडियल कंडीशन लेकर के चल रहा, बीच में बहुत सारा लॉसेस होगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो पी डिलीवर इज इक्वल्स टू पी एब्जॉर्ब। तो लॉ ऑफ एनर्जी वही बोलता है कि जितना डिलीवर होगा उतना एब्जॉर्ब होगा, मतलब सम ऑफ नेट पावर हमेशा आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो नेट पावर आपको क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा, यानी समेशन ऑफ पावर विल ऑलवेज बी जीरो। तो पी डिलीवर अगर इसका देखा जाए, पी डिलीवर माइनस पी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, तो नेट पावर ये कैसे हो गया, आप पी एब्जॉर्ब को माइनस पी प्लस पी एब्जॉर्ब को आप लोग लिख सकते हो माइनस पी डिलीवर। ठीक है, मतलब अगर पी एब्जॉर्ब को आप लोग माइनस पी डिलीवर लिख सकते हो, और नहीं तो पी डिलीवर को आप लोग माइनस पी एब्जॉर्ब लिख सकते हो। ठीक है, तो नेट मतलब अगर डिलीवर के टर्म में देखिएगा तो पी डिलीवर, ओवरऑल पी डिलीवर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि ये बताया जा रहा है, पी डिलीवर माइनस पी एब्जॉर्ब विल बी जीरो, और पी एब्जॉर्ब का अगर नेट पी एब्जॉर्ब का बात कर लिया जाए, नेट पी एब्जॉर्ब कितना होगा, नेट पी एब्जॉर्ब आपका जीरो आएगा, तो नेट पावर ओवरऑल पावर हमेशा जीरो मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही है, अगर बात कर लिया जाए, जैसे कि आपका ये बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा आगे जा करके, अभी मैं बताऊंगा, तो समेशन ऑफ पावर विल बी ऑलवेज जीरो। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ पावर इन द सर्किट, एक सर्किट में जो अलजेब्रिक सम निकाला जाएगा पावर का, हमेशा क्या आएगा, मस्ट बी जीरो आएगा। ठीक है, तो एनर्जी वही है, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में होता क्या है, पी डिलीवर इज इक्वल टू पी एब्जॉर्ब होता है। ओके, पी डिलीवर इज इक्वल टू पी एब्जॉर्ब। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर चलिए मान लेते हैं 10 वोल्ट है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना, पॉजिटिव में अगर करंट इंटर मार रहा है मतलब पी एब्जॉर्ब, और पॉजिटिव से अगर निकल रहा है पी डिलीवर। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर एक ना डब्बा बना देता हूँ एक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 6 है ये 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, और ये 5 है ये 4 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोनों मिलकर के 9 एम्पियर, और इधर से 1 आ रहा है, इधर से 9 आ रहा है, तो इधर से 10 एम्पियर, तो अब 10 एम्पियर आपका इधर आ गया। अब ये वाला अगर पावर का बात कर लिया जाए, यहाँ का पावर का, तो ये P1 कितना हो जाएगा, P1 अगर आप निकालेंगे तो P1 कितना निकल जाएगा, P1 इज इक्वल टू 10 × 1, 10 वाट। तो 10 वाट आपका डिलीवर करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, पॉजिटिव में आ रहा है फ्रेंड्स, पॉजिटिव में घुस रहा है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम लोग सारा केस क्या, पी एब्जॉर्ब को हम लोग लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो एब्जॉर्ब हम लोग कितना निकला, एब्जॉर्ब हम लोग को P1 हम लोग को कितना मिला, 10 वाट। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लिया जो 9 × माइनस में आ रहा है फ्रेंड्स, तो -9 × 2 18, तो P2 कितना आया, P2 इज इक्वल टू 18, 18 वाट। तो ये डिलीवर होगा या एब्जॉर्ब होगा, ये देखिए नेगेटिव में इंटर मार रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है, यानी डिलीवर होगा, तो डिलीवर भाई 18 आया है, तो एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका -18, जस्ट अपोजिट कर देंगे साइन को, तो P2 कितना निकल जाएगा, -18 वाट। ओके, अब इसको बात कर लिया है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो डायरेक्टली P3 का अगर बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 100, तो P3 इज इक्वल टू 100, एब्जॉर्ब या डिलीवर, पॉजिटिव में आ रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है, तो P3 इज इक्वल टू 100 वॉट। ठीक है, तो अब ये हो गया सॉल्व, ये आप इसको सॉल्व किया, तो चलिए इसको मान लेते हैं प्लस माइनस कोई एक्स है, तो यहाँ पे KVL लगाया जाए तो KVL कितना लग जाएगा, -10 + 2, देखिए -10 ऐसे जा रहा है, +2 + x इज इक्वल टू 0, -10 + 2 + x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 8, तो 8 आ रहा है यहाँ पर, x का वैल्यू 8 आ रहा है। अब 8 में ये करंट पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से अगर निकल रहा है तो
तो ये क्या डिलीवर कर रहा है ना, तो डिलीवर कितना हो जाएगा 32, 32 वॉट, 8 इंटू 4 32, तो 32 डिलीवर कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कितना करेगा, जस्ट नेगेटिव, तो P4 इज इक्वल्स टू -32। ओके, अब यहाँ का केबल का बात कर लिया है तो प्लस माइनस ले लेते हैं। अब यहाँ पे -2 -2 -10 और ये X3 है, -X3 इज इक्वल टू 0, तो X3 का वैल्यू कितना आया, -12 आया। तो अब ये -12 आया, X3 का वैल्यू -12, ठीक है, तो -12 -12 और यहाँ पे करंट कितना 5 है, तो -12 × 5 कितना आ जाएगा, -12 × 5 -60, तो -60 आ रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, पी डिलीवर कर रहा है, तो पी एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, पी एब्जॉर्ब आपका 60 हो जाएगा, तो P5 इज इक्वल टू 60। अब इसका निकाल लिया जाए तो ये माइनस, ये क्या आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व किया है प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -8 -8 और ये आपका -12 प्लस X4 इज इक्वल टू 0, तो X4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, तो ये 20 और ये पॉजिटिव से निकल रहा है, तो अगर P6 का बात कर लिया तो P6 कितना हो जाएगा, 20 × 6 120, ये डिलीवर या एब्जॉर्ब, पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से अगर निकल रहा है तो ये डिलीवर है भाई, ठीक है, डिलीवर है, एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, पी एब्जॉर्ब आपका हो जाएगा -120, तो P6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P6 इज इक्वल टू -120। अब सब कुछ सम करके देख लीजिए हम लोग एब्जॉर्ब का केस पर, तो नेट एब्जॉर्ब कितना निकल रहा है, नेट एब्जॉर्ब आप निकालोगे, ठीक है, तो सबको सम कीजिएगा, तो 10 और ये देखिए पहले नेगेटिव वाला टर्म्स को ले लेते हैं, तो -120 -120 और ये -120 और पहले 18 और 32 कितना हो जाएगा, 18 और 32 आपका हो जाएगा 18 और 32 40 50, तो 170, -170 सॉरी, ये आपका 120 है, 120 और 18 प्लस 40 40 50 50 और 120 ये आपका आएगा -170। ओके फ्रेंड, -170 इसको आप सॉल्व करिए, तो ये तो आपका कितना है, 10 प्लस 60 70 और ये 100 प्लस 170, तो ये कट के देख लीजिए, -170 प्लस 170 आपको 0 वाट दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो हम लोग सॉल्व किए तो पी नेट समेशन हम लोग का क्या प्रूव हो गया, 0। अब इसी तरीके से आप पी डिलीवर का केस निकाल सकते हो, और नहीं तो आप कर सकते हो पी डिलीवर को निकालो और अलग से पी एब्जॉर्ब को निकालो, दोनों को कंसीडर करोगे तो दोनों का सम आप देखोगे तो 0 मिल जाएगा, आप ये करके देखना। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताओ। और एनर्जी का बात कर लिया, एनर्जी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू एबिलिटी टू डू वर्क, इसका यूनिट जूल होता है, तो 0 से T में जितना पावर है ना, जितना टाइम लगता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, P × T ही तो बोलते हैं, तो कितना टाइम में आप कितना पावर दे रहे हो, तो कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना वर्क कर रहे हो, तो इसी को एनर्जी बोलते हैं, ठीक है गाइस।